हमारी निचली दशा ऐसी नहीं है कि हम आत्मा में ध्यान लगाएं और डूब जाएं। अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हमें देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। हमें स्वाध्याय में बैठना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं और वे स्वाध्याय आदि में आना बंद कर देते हैं। कि क्यों? कि वो कहते हैं हमारा तो घर पे बहुत बढ़िया होता है ना, लेकिन आपको पता नहीं है वो जो घर का बढ़िया है उसमें तुम्हारी कमी बताने वाला कोई नहीं है, है ना। और तुम अपनी मनमानी करते हो। मनमानी कैसे करते हो? जैसे अभी यहाँ प्रवचन चलेगा 9 बजे तक, तो तुम 9 बजे तक शांति से बैठोगे, सुनोगे, लेकिन घर में क्या है, 10 मिनट पढ़ा, अरे बंद कर दो, अरे बाद में सुन लेंगे, अरे बाद में लगा लेंगे। ये क्या कि वो धारा बनी नहीं पाएगी, हेल में है ना। तो ये सब प्रमाद नहीं करना। देखो, बंद के कारणों में मिथ्यात्, अवृत्ति और प्रमाद और कसाय। कसाय को तो रखा उनने 4वें नंबर पर और प्रमाद को कसाय से पहले रखा। समझ में? प्रमाद समझ गए? प्रमाद क्या है? ये जो प्रमाद होता है ना, ये प्रमाद बहुत खतरनाक चीज है। प्रमाद से बचना चाहिए। ये क्या है कि अपन को स्वाध्याय आदि में, अरे हम तो घर पे कर लेंगे, ठीक है सुन ले, कुछ नहीं होता भाई। अभी अपना का इतना अच्छा बोध नहीं है कि अपन बिना देव शास्त्र गुरु के आत्मा में रम जाएं। अरे मुनिराज भी स्वाध्याय आदि करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं और तीर्थ वंदना करते हैं और चैत्यालयों के दर्शन करते हैं मुनिराज के, क्योंकि उनको भी इतना उपयोग स्थिर नहीं हो पाता। तो हम लोगों को भी बाहर में देव शास्त्र गुरु के नज़दीक रहना चाहिए और स्वाध्याय तो निरंतर करना चाहिए और 3 टाइम करना चाहिए अगर टाइम है तो, क्योंकि स्वाध्याय ही एक ऐसी पंचम काल में चीज़ है जो हमें मुक्ति मार्ग की ओर ले जा सकती है। स्वाध्याय के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, इसलिए व्यवस्थित स्वाध्याय समझो, ताकत लगा के समझो, वस्तु का स्वरूप समझो, आधा अधूरा मत समझो। ये सब अधकच्चा ज्ञान कोई काम का नहीं है। अभी आप लोगों को लगता होगा कि हमें तो पूरा वस्तु का स्वरूप पता है, ख्याल में है ना, लेकिन अभी मैं आपकी परीक्षा लूँ तो आप 50 में से 40 प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, स्वाध्याय करना, पढ़ना लिखना, ये व्यवस्थित होना चाहिए वस्तु स्वरूप की अति। और अगर आपका स्वाध्याय व्यवस्थित नहीं होगा तो आप कुगुरुओं के चक्कर में ही फंस जाओगे। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, जो YouTube आदि के माध्यम से सुनते रहते हैं चाहे जिसको, और बस आधा अधूरा ज्ञान किसी से प्रभावित हो गए, किसी के पीछे पड़ गए, किसी के, क्योंकि ज्ञान नहीं है व्यवस्थित आगम का। हमारे जैन धर्म में आचार्य भगवंतों ने स्वानुभव से पहले आगम ज्ञान लिखा कि भाई आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव की प्रमाणिकता। कि आगम का सेवन क्यों लिखा, कि भाई आगम का सेवन नहीं करोगे तो एकांतवादी बन जाओगे और एकांतवादी बहुत घूम रहे हैं। नहीं समझ में आया? एकांतवादियों की कोई कमी नहीं है और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। अनेकांतवादियों के कभी फॉलोअर्स ज़्यादा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धि लगानी पड़ती है। अनेकांत वालों के यहाँ बुद्धि चलती है और तुम बुद्धि लगाना नहीं चाहते क्योंकि प्रमादी हो, और एकांतवादियों के यहाँ बुद्धि नहीं ला। ऐसे तुम ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ गए तो वहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समझने समझाने बस, तुम तो अपना मोबाइल रखो एक तरफ, सब कुछ है, लगाओ ध्यान और ऐसे ऐसे ध्यान लगाओ और ऐसे पानी का समुद्र ये है वो, तुम्हें मिल गया काम, इसमें तुम्हें कोई बुद्धि लगानी नहीं पड़ी और तुम्हें शांति का अनुभव हो गया। तो तुमने कह दिया कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ मिला, वो तुम्हें वो डायलॉग याद आ गया कि पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता,
क्योंकि प्रमादी हो ना, जैसे कई बच्चे हैं, एक कई दफ़े ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, बच्चे माने बड़े हो गए मिल जाते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि कहाँ तक पढ़े हो, बोले मत पूछो, कहाँ तक पढ़े हो, अरे क्या होता है पढ़ाई से, समझ में आप मेरे को बताओ मेरे में क्या कमी है। अरे भैया हम तो सिर्फ ये पूछ रहे कहाँ तक पढ़े हो, ये क्यों नहीं बताते, फेल में कि पांच भी फेल है अब ठीक, ये क्यों नहीं कहते कि पांच ही फेल है, तो वो जो ये पांच भी फेल है जो कम पढ़ा लिखा आदमी है ये 100% आपको ये बताएगा कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, क्योंकि खुद ने पढ़ा लिखा नहीं ना बिल्कुल भी, पैसे में कोई कमी है क्या मेरी, है ना, बंगला बनवाना और पीएम बन जाना ये अलग चीज़ें हैं। अब जनता तो 20 साल लालू को सीएम बनाए रही, चलो लालू तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, उसकी राबड़ी देवी जो बेचारी अंगूठा लगाती है खेल में, बाद में साइन करना सीखी, वो 5 साल सीएम बन गई भाग, ये तो सीएम पीएम तो क्या होता है, जनता वोट देती है बन जाती है, इसमें तुम्हारी क्या है खेल में ना, तो लोग कहते देखो अब पीएम बन गए क्या होती पढ़ाई, अरे भाई पढ़ाई अलग चीज़ है, तुम क्या बन गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़े लिखे आदमी की बात अलग होती है, ख्याल में आया कि नहीं आया। और जी आज अपन देश में देख रहे हैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो पढ़ाई की वैल्यू नहीं बत हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्यों, कि वे शिक्षा के क्षेत्र में खुद कभी कुछ किया नहीं तो शिक्षा की वैल्यू ही नहीं पता रहती। ऐसे ही प्रमादी लोग होते हैं ना, तो वह प्रमादी लोग क्या होते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं, स्वाध्याय तो करना नहीं, है ना, और बस ये कहते हैं क्या होता है स्वाध्याय से, 11 अंग नौपुर पढ़ लिए क्या होता है, अरे भैया 11 अंग नौपुर पढ़ने को कौन कह रहा है, तुमसे तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्थित वस्तु का स्वरूप तो समझो, 6 द्रव्यों की विशेषता, उनका स्वरूप, 7 तत्व, हे उपादे, 8 कर्म की फिलोसफी थोड़ी बहुत, तो 10 धर्मों का स्वरूप, कषायों का स्वरूप, प्रमाद का स्वरूप, है ना, पर्याय का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, ये तो बिल्कुल व्यवस्थित होना ही चाहिए, अगर ये व्यवस्थित नहीं होगा तो तुम आत्मा का आधार कैसे पकड़ोगे, कोई भी जीव पर्याय स्वभाव को समझे बिना द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता, क्या बोला मैंने, जब तक तुम राग द्वेष का स्वरूप नहीं समझोगे वीतरागता को कैसे समझ जाओगे, ये राग द्वेष क्या चीज़ है, विकार क्या है, क्यों आता है, किस लिए, सब समझना पड़ेगा कि नहीं साहब एक त्रिकाली ध्रुव, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, अरे भैया ऐसे नहीं चलता है, कल में है ना, हाँ व्यवस्थित वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और कई लोग ये दुहाई देते रहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ क्या होता है, अरे माला फिर, अरे भाई इसका अर्थ ये नहीं है कि माला फेरना व्यर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जिस तरीके से तुमने फेरी वो व्यर्थ है, पूजा करना व्यर्थ नहीं है कभी भी, जिस अभिप्राय से तुमने पूजा करी वो व्यर्थ है, अरे सच्ची पूजा करो जिनेन्द्र देव की तो वे तो सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, लेकिन तुम उस अर्थ में पूजा करते ही नहीं, कसाय के वसीभूत होकर राग द्वेष करते हो तो वो पूजा कोई कार्यकारी नहीं है, सो ऐसे पूजा को व्यर्थ कहते हैं, मुनि बनना व्यर्थ है, अरे क्या बात करते हो भैया, मुनि तो जीवन सबसे आनंदमय जीवन है, साधु बनना व्यर्थ है, नहीं, आत्मज्ञान से रहित होकर वेद ज्ञान ना होकर मात्र साधु बन जाना वो व्यर्थ है, ये मुद्दे की बात ये है, ये अगर अपन को समझ में आ जाए तो अपन को मजा आ जाए कि भैया काम करना है, तो प्रमादी नहीं बनना, स्वाध्याय आदि में जो प्रमादी बनेंगे वे आत्मा की दृष्टि नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय करो, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ो, आत्मा की पक्की अच्छी दृष्टि करो, और जब अच्छी दृष्टि मजबूत हो जाए तो फिर और ग्रंथ भी पढ़ो, ख्याल में है ना, लेकिन नहीं पढ़ना और गप्पे मारना, इधर उधर की समय पास करना और अपने को मुमुक्षु कहना ये अच्छा लक्षण नहीं है।